हेलो गाइस, रेनबोर्ड चैनल में सबका स्वागत है। आज है हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे मैं सिखाऊंगा कैसे पेपर कटिंग आर्ट के लिए कौन सा पार्ट कटिंग करना है वो कैसे डिसाइड करें। बहुत सारे फ्रेंड ये मुझे पूछा था, सर ये वाला समझा दो कैसे एक पेपर कटिंग आर्ट जब मैं करने जा रहा हूँ कौन सा पार्ट कटिंग करूँ ये मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। तो हम आज वो वाला दिखाएंगे कैसे आप अच्छे से एक कौन सा पार्ट काट करना है वो कैसे डिसाइड करें वो सिखाएंगे आज। मेरा पहला वाला जो वीडियो था वो था कैसे पेपर कटिंग आर्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन एंड एक ध्रुपद राठी की फ़ोटो से मैं दिखाया था कैसे काटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमें मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कैसे ड्राइंग कर सकते हैं पेपर कटिंग आर्ट के लिए। ठीक है, अब पेपर कटिंग रिलेटेड जो टूल्स चाहिए वो क्या है वो अमेजन से आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पिक्चर मैं प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने से पहले मैं इसको क्या किया, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बढ़ा दिया। मैं पहले वीडियो भी बताया था आप लोगों को ये पेपर कटिंग आर्ट करने के लिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया एंड उसके बाद इसको प्रिंट कर लिया। मैं अभी दिखाऊंगा इसको कौन सा पार्ट मैं कटिंग कर सकता हूँ एंड कौन सा पार्ट मैं छोड़ सकता हूँ एंड कटिंग करने के बाद इसका आउटपुट कैसा रहेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके, तो ये वाला ये पेपर कटिंग आर्ट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, वो है कि कौन सा पार्ट थोड़ा ब्लैकी है एंड कौन सा पार्ट थोड़ा व्हाइट है। यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जो पार्ट है ये वाला कम्प्लीटली व्हाइट है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है बट कम्प्लीट ब्लैक नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा या अब मैं यहाँ पे कौन क्या करूँ। एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम लोग सिंगल पेपर कटिंग आर्ट करने जा रहा हूँ। सिंगल पेपर कटिंग आर्ट ऐसे ही ईजी है बट वहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कौन सा पार्ट आपको कम्प्लीटली छोड़ना है एंड कौन सा पार्ट आप लोगों को कम्प्लीटली रखना है। बट मैं मल्टी लेयर पेपर कटिंग करूँगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे सपोज ए वाला कम्प्लीटली ब्लैक हो गया बट ए वाला कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, ए वाला कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए वाला जस्ट पोर्शन के लिए मैं और कोई पेपर चॉइस कर लूँगा। यहाँ पे ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर के लिए मैं और नया पेपर ग्रे कलर का पेपर चॉइस कर लूँगा, उसके लिए ठीक है। बट यहाँ पे मैं सिंगल लेयर करने जा रहा हूँ तो सिंगल लेयर करने से पहले मैं कम्प्लीटली डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कौन सा पार्ट कम्प्लीटली वाइट रखना है एंड कम्प्लीटली ब्लैक कौन सा पार्ट रखना है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज डिसाइड करते हैं कौन सा ब्लैक हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक है, मैं ये कम्प्लीटली ब्लैक के पोर्शन में ड्राइंग कर रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे छोटा सा वाइट है उसको लिए स्पेस मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला देखिए मैं इसको कम्प्लीटली काट करने वाला हूँ। ठीक है, इसको भी कम्प्लीटली काट करने वाला हूँ, यहाँ से ऐसे करके काट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, ये वाला ऐसे काट होगा उसके बाद कंटिन्यू काटिंग होगा ऐसे बिंदी पूरा काटिंग होगा ऐसे कंप्लीट। ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ग्रे पार्ट है, इसको ग्रे पार्ट के लिए मैं क्या कर दूँगा, इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब व्हाइट के लिए रख दूंगा। मेरा ब्लैक वाला कौन सा काटे होगा मैं डिसाइड कर लिया ए वाला, बट इसके लिए मैं व्हाइट छोड़ रहा हूँ और व्हाइट छोड़ना भी है क्योंकि कंटिन्यू व्हाइट पोर्शन रखना है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ज़्यादातर जो कलर है कौन सा है, आप जब पेपर कटिंग आर्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर ब्लैक पेपर डिसाइड करूँ या व्हाइट पेपर डिसाइड करूँ। ये जो पेपर मैं डिसाइड किया था पीछे, इसको मैं व्हाइट पेपर डिसाइड किया, क्यों किया, क्योंकि ज़्यादातर जो कलर है यहाँ पे सब व्हाइट है, इसीलिए मैं व्हाइट पेपर डिसाइड किया।
ठीक है, और ज़्यादा ब्लैक होता तो मैं ब्लैक डिसाइड कर लेता, बट यहाँ पे ज़्यादा व्हाइट है इसीलिए व्हाइट पेपर डिसाइड किया। ओके, बाकी पोर्शन जो है इसको जल्दी से जल्दी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ब्लैक कर देंगे एंड इसको यहाँ से थोड़ा ब्लैक कर देंगे, इसको थोड़ा हाँ कर देंगे, यहाँ पे व्हाइट रखेंगे क्योंकि मुझे कनेक्ट करके रखना है, इसीलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लैक है, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हैं ऐसे, और इसको आई को ऐसे कंटिन्यू रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे व्हाइट रखा एंड उसके बाद यहाँ पे काटिंग होगा। यहाँ पे ये जो व्हाइट पॉइंट है हम इसको इसके साथ जोड़ के रखेंगे, नहीं तो अलग हो जाएगा ना, इसीलिए इसको ये भी यहाँ पे जोड़ के रखते हैं एंड बाकी ये वाला काट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पोर्शन है मैं ऐसे डिसाइड कर रहा हूँ, ऐसे देखिए, तो यहाँ पे हल्का सा ब्लैक है तो इसको क्या करूँगा ऐसे करके मैं डिसाइड कर लूँगा ऐसे। यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट लाइन बनाने के लिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ कौन सा पार्ट मुझे कम्प्लीटली काटिंग करना है एंड कौन सा पार्ट मुझे रखना है। देखिए धीरे धीरे मैं कैसे धीरे धीरे कम्प्लीटली डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी मुझे यही डिसाइड करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे होगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक ले लेंगे देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से डिसाइड करते हैं कैसे, यह वाला ऐसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा व्हाइट है तो इसके लिए मैं व्हाइट पोर्शन छोड़ रहा हूँ ऐसे, देन इसको कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक मैं काट करूँगा, इसको व्हाइट पोर्शन के कनेक्ट करके रखना है इसीलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद जो है मैं यहाँ से ऐसे काट कर सकता हूँ, यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि कनेक्ट करके रखना है, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा पार्ट आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे व्हाइट छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कम्प्लीटली काटिंग कर रहा हूँ एंड यहाँ पे ये जो स्पेस है मैं क्या करूँगा इस पोर्शन थोड़ा सा ब्लैक रख दूँगा ऐसे करके डिसाइड कर लिया। अच्छा, ये जो ऑर्नामेंट है इसके लिए आपको डिज़ाइन डिसाइड करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डिज़ाइन आप नहीं भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नया डिज़ाइन ला सकते हैं, तो नया डिज़ाइन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे नया नया डिज़ाइन आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया डिज़ाइन लगा रहा हूँ ऐसे करके, धीरे धीरे इसको ऐसे करके काटिंग करूँगा तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही करूँगा, ये वाला करके ये धीरे धीरे ऐसे व्हाइट पोर्शन रख दूँगा, बाकी जो होगा ये काटिंग होके निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लैक करना है, ये वाला ब्लैक है। ओके, यहाँ पे कैसे डिसाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे ब्लैक कर रहा हूँ ऐसे, मैं ये वाला व्हाइट रखने वाला हूँ क्योंकि ये ग्रे है बट इसको मैं व्हाइट रखने वाला हूँ, इसीलिए ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर को थोड़ा सा ठीक कर देंगे ऐसे मोटा कर देंगे, जैसे कि मुझे क्लियर कट समझ में आ जाए ये वाला कौन सा चीज़ है। मैं यहाँ से डिसाइड कर लिया इसका आउटलाइन, यहाँ तक करेंगे उसके बाद मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि व्हाइट पेपर मुझे कनेक्ट करके रखना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये जो बिंदी पॉइंट है मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे भी मैं पॉइंट पॉइंट कर देता हूँ क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये जो पोर्शन है थोड़ा डिटेल है, इसको सीधा करने के लिए ऐसे पॉइंट कर लेता हूँ। आप चाहे तो डिजाइन कर सकते हैं आपके हिसाब से, ओके। मैं ए वाला पोर्शन के लिए धीरे धीरे ये डिजाइन कर रहा हूं ऐसे, आपको
आपको याद रखना होगा जो मेन व्हाइट है, व्हाइट मेनली आपका जो पेपर है बैकग्राउंड में वो व्हाइट है, तो इसीलिए ज़्यादातर जो व्हाइट पोर्शन है आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा ऐसी चीज़ है, तो मैं इसको ऐसे डिजाइन करके कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला लाइन होगा एंड यहाँ से थोड़ा ऐसे बाल रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेरा अभी डिजाइन कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन है, मैं इसको कर लेता हूँ, ये वाला कटिंग हो जाएगा। ये वाला ऐसे कटिंग हो जाएगा। आपको पेपर कटिंग आर्ट करना है तो कंप्लीटली आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कंप्लीटली मुझे कौन सा पार्ट छोड़ना है। मैं अभी डिसाइड कर लिया कौन सा पार्ट मुझे कटिंग करना है। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं डिसाइड कर लिया। तो ऐसे डिसाइड होने के बाद आपको कटिंग करना पड़ेगा। देखिए कटिंग करने के बाद कैसा लगता है मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर कटिंग का आर्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा। मैं छोटा छोटा एक जो पार्ट है उसको निकाल रहा हूँ, निकालने के बाद ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट वर्क है, तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके आप पेपर कटिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आपके पास आप मुझे पूछ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड कौन सा टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प किया कैसे पेपर कटिंग आ सकते हैं। इसके लिए मैं एक सीरीज वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए जैसे कि बाकी लोग सीख पाएं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी आने वाला है, आप लोग रेडी रहिए उसके लिए। और नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, आप कौन सा टॉपिक में जाना चाहते हैं, कौन सा ट्यूटोरियल, कौन सा आर्टवर्क आप लोगों को पसंद है, कौन सा क्वेश्चन है आपके अंदर, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, थैंक यू।